तो फाइनली हम लोग आज स्टार्ट क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट सिस्टम या मेथड। मैंने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच के लिए या डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंटिंग करने के लिए हेड ऑफिस के पास कितने मेथड्स हैं, डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंटिंग करने के लिए हेड ऑफिस के पास कितने मेथड्स हैं, चार, सिंपल मेथड या डेटा मेथड। दूसरा भी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट मेथड। दो मेथड्स इसके बाद भी है, उस पर अभी अभी चर्चा करने की जरूरत अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम लोग सेकेंड मेथड पे हैं। टोटल फोर मेथड्स होते हैं हेड ऑफिस के पास अपने डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंटिंग करने के लिए। डन। इन चार के चार मेथड्स को यूज करके, किसी भी एक मेथड को यूज करके ब्रांच के लिए हेड ऑफिस के द्वारा अकाउंटिंग किया जा सकता है। कोई सा भी मेथड यूज करोगे तो प्रॉफिट वही आएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये चार मेथड किस मेथड को कब यूज करें, है ना। आपके पास ड्रेसेस बहुत सारे होते हैं, अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग टाइप के ड्रेस को यूज करते हैं आप, है ना। उसी तरह से आपके पास मेथड्स बहुत सारे हैं, तो जैसी स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग मेथड सेलेक्ट किया जाता है। एग्जांपल, अगर ब्रांच का साइज छोटा है, अगर ब्रांच का साइज छोटा है, बहुत ज्यादा लेन देन नहीं है, तो आपके लिए बेहतर है कि आप सिंपल या डेटा मेथड आप यूज करें। लेकिन अगर ब्रांच का साइज मीडियम है, ध्यान दीजिए, छोटा है, तो क्या करोगे, सिंपल मेथड या डेटा मेथड। लेकिन अगर ब्रांच का साइज जो मीडियम साइज है या बड़ा साइज है, तो ऐसे ब्रांच के लिए मीडियम एंड लार्ज दोनों के लिए कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, हमें फाइनल अकाउंट मेथड यूज करना चाहिए। डन। तो पहली बात तो मैंने बताया, फोर मेथड्स वी हैव। अगर हमारे हेड ऑफिस है तो हमारे पास अपने डिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए अकाउंटिंग करने के चार मेथड्स हैं। इन चार मेथड्स में से किसी भी मेथड को यूज करके हम अपने ब्रांच के लिए, हम अपने ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हैं। लेकिन परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें मेथड सेलेक्ट करना चाहिए। अगर ब्रांच का साइज छोटा है तो हमें अपनाना चाहिए सिंपल मेथड या डेटा मेथड। लेकिन अगर ब्रांच का साइज मीडियम है या लार्ज है तो हमें चाहिए कि हम फाइनल अकाउंट्स मेथड को अप्लाई। डन। अब इस मेथड में क्या होता है, जैसा कि फाइनल अकाउंट नाम से ही क्लियर है, फाइनल अकाउंट, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फाइनल अकाउंट बात करते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बोलिए, फाइनल अकाउंट बात करते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बोलो, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां भी बनाते हैं। तो हम अगर फाइनल अकाउंट मेथड अपना रहे हैं तो बैलेंस शीट तो नहीं बनाएंगे, बट ब्रांच के लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आधी बात तो समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो भाई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, मतलब कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, इतना तो आधार आपका क्लियर इस लेक्चर में होना ही चाहिए। मतलब अगर आपका ये बेस क्लियर नहीं है तो आप जाइए, आप चेक करें, अगर पॉसिबल होगा तो हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट का, हम यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये चीज को आप पहले कंफर्म जरूर कर लें। फाइनल अकाउंट मेथड में फाइनल अकाउंट बनाते होंगे, मतलब कि क्या बनाते होंगे, बोलिए, ट्रेडिंग अकाउंट और क्या बनाते होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट यहां पर बैलेंस शीट नहीं बनाते, क्या नहीं बनाते, बैलेंस शीट हम नहीं बनाते। हाँ, यहां पर भी हम इस मेथड के तहत भी हम क्या बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, एक बात बताएंगे, सिंपल मेथड या डेटर मेथड में कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, और यहां भी ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, वहां का जो ब्रांच अकाउंट होता है, सिंपल मेथड का ब्रांच अकाउंट जो होता है, वो जो ब्रांच अकाउंट होता है उसका नेचर कौन सा होता है, नॉमिनल, और यहां पर जो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, पर्सनल नेचर का होता है। समझ में बात, वहां का ब्रांच अकाउंट
नॉमिनल, और यहां का ब्रांच अकाउंट वो गौर कीजिए, फाइनल अकाउंट मेथड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और साथ में यहां भी अगर ब्रांच अकाउंट हम बनाते हैं तो उसका नेचर किस तरह का होता है? पर्सनल अकाउंट का होता है। और यहां भी उन सभी चीजों को दिखाया जाता है, इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? अब समझिए, तो यहां पर हम क्या बनाते हैं फाइनल अकाउंट मेथड में? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके माध्यम से ब्रांच का प्रॉफिट पता करते हैं। सारे रूल्स, सारे नियम सेम होंगे जैसा कि आप पहले से जानते हो, बट एक बात को याद रखें ना कि यहां का जो वेजेस होगा ना, वेजेस ये कौन सा एक्सपेंस होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, एंड वेजेस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका लॉजिक यह है कि यहां चूंकि ब्रांच का मामला का जो वेजेस होता है ना, मजदूरी, वहां पे उसका प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, समझ रहे हो? तो ब्रांच के केस में जो मजदूरी हम देते हैं वो प्रोडक्शन की वजह से नहीं देते हैं, समझ रहे हो? तो ब्रांच के केस में वेजेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, हालांकि नॉर्मल केस में क्या मानते हैं वेजेस को? डायरेक्ट, एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट इन केस ऑफ ब्रांच wages will be transferred to profit and loss account. It should be remembered. ये basic difference है, इसको आप confirm कर लीजिए, ठीक है? Any problem? नहीं। अब यहां पर मैं आपको definition दिखाता हूं। Under this system, the profit and loss of branch calculated by preparing branch trading and profit and loss account in the usual manner. इस मेथड में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं यूजुअल मैनर में, क्लियर? इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड सप्लाई टू ब्रांच एज वेल एज गुड्स ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम ब्रांच। इफ दिस फिगर्स आर गिवन एट लोडेड प्राइस और इनवॉइस प्राइस, दे नीड टू बी कन्वर्टेड टू द कॉस्ट प्राइस टू हेड ऑफिस बाय रिमूविंग एलिमिनेटिंग द लोडिंग इन देम। याद रखिए क्या है, अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजा जा रहा है, दूसरी बात समझिए, सिंपल मेथड में आप क्या ध्यान रहे थे, क्या देख रहे थे? लोडिंग को हम एज इट इज लिख रहे थे, अपोजिट साइड में क्या कर रहे थे? अपोजिट साइड में उसके लोडिंग को लिख रहे थे, नहीं लिख रहे? अबे मैं कह रहा हूं, हमने जो गुड्स भेजा, अगर हम इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को भेज रहे थे, याद कीजिए, ध्यान से देखिए, अगले दो मिनट अगर आप ध्यान से देखते रहोगे एक चैप्टर, ये वाला मेथड आप कंफर्म कर लोगे, अपने आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दोगे। मैं कंपेरेटिव स्टडी करवा रहा हूं। अगर आप इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को भेज रहे थे तो क्या कर रहे थे आप? तो गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे ही लिखते थे और बाई साइड में लोडिंग लिखते थे, यस है ना? आया ना? और यहां पर क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस दिखाना है। अगला पॉइंट, ब्रांच अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत भी क्या बनाया जाता है? ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। हाउएवर द ब्रांच अकाउंट मेड अंडर दिस सिस्टम विल बी पर्सनल अकाउंट एंड नॉट नॉमिनल अकाउंट। मैंने कहा कि यहां भी क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है बोलो? ब्रांच अकाउंट। बट इसका नेचर कैसा होता है? तो फाइनल अकाउंट मेथड में भी ब्रांच अकाउंट बनता है, बट इसका नेचर पर्सनल का होता है। लेकिन सिंपल मेथड में भी, जो सिंपल मेथड में जो ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है, उसका नेचर किसका होता है? नॉमिनल का होता है। समझ भाई बात? अब आइए, मतलब कि यहां का जो ब्रांच अकाउंट होता है ना, इसका मकसद प्रॉफिट या लॉस पता करना नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर पता कर लेते हैं। डन। मैं आपको सीधे इसका मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूं, स्पेसिमेन ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए बिल्कुल साधारण तरीका, आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना तो जानते हैं ना। तो देखिए, टू ओपनिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक, यही आता है। गुड्स सप्लाइड लेस रिटर्न, अगर आपने गुड्स भेजा है ब्रांच को, आप तो हेड ऑफिस हो ना, तो आप गुड्स सप्लाइड लिखोगे, लेस रिटर्न लिखोगे। एनी प्रॉब्लम यहां? डायरेक्ट एक्सपेंस अच्छी तरह मालूम है आपको। अब यहां पे देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, सेल्स में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स लिखेंगे, और लेस रिटर्न फ्रॉम कस्टमर अगर है तो लिख देंगे। वहां कैसे लिखते थे, यहां कैसे लिखते थे? वहां क्या लिखते थे भुला दो, इसको जब बनाओ तो फाइनल अकाउंट याद करो।
जब आप ब्रांच अकाउंट बना रहे थे, पॉइंट टू बी नोटेड, वो डिफरेंस बता रहा हूं मैं, बहुत आराम से कंफर्म कर लेंगे आप। जब आप ब्रांच अकाउंट बना रहे थे ना, तो आप क्या कर रहे थे मालूम है? आप लिख रहे थे बाय कैश सेल्स एंड बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, याद है? हाँ या ना? वहां कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर लिख रहे थे आप, स्पेशली आप एक अलग टाइप से अकाउंट को डिजाइन करके बना रहे थे आप। लेकिन यहां पे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं लिखा जाएगा, यहां पर सीधे क्रेडिट सेल्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बोलिए? यहां पर हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट सेल लिखेंगे। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, ठीक है ना? वहां पर क्या लिखते हैं? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यहां पर लिखता है क्रेडिट सेल्स। अगला डिफरेंस, सारी चीजें वही है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहां उठा के लाएंगे, ग्रॉस लॉस है तो यहां उठाकर लाएंगे। इसका रिजल्ट या तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो बाई साइड, ग्रॉस लॉस है तो टू साइड। यहां पर बातें समझ में आ गई है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? शायद नहीं। अब आइए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है सब लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी मैं आगे बताऊंगा। अब देखो यहां पर यही वेजेस की बात कर रहा था। जब आप ब्रांच के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो यहां पर याद रखना वेजेस को क्या मानेंगे आप? इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। अब आइए सैलरी, डिस्काउंट, बैड डेट्स, रेंट रेट, एटीसी, डेप्रिसिएशन, अदर ब्रांच एक्सपेंस। अब गौर कीजिए यहां पर या तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। इतना तो अब सभी बच्चे समझते होंगे, कोई दिक्कत है क्या? ये नेट प्रॉफिट एंड या नेट, इस नेट लॉस को कहां भेजेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां भेजेंगे बोलो? अब यार यहां भी बना रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यहां भी बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर इसको भेज रहे हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ये क्या है, ये जानने की जरूरत है क्या आपको? यस करो, 100% इस बात को आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब सुनो, ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। इससे पहले भी डिफरेंट लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया है, फिर मैं कर रहा हूं और इसको आज और अभी कंफर्म कर लो। इसकी जरूरत बहुत सारी जगहों पे पड़ती है और बच्चे थोड़ा इसमें कंफ्यूज से रहते हैं कि व्हाट इज जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनको कई बार लगता है कुछ अलग लिखना है तो जनरल लिख देता है। नेवर, हर पॉइंट के पीछे एक लॉजिक छुपा होता है, कंसेप्ट होता है, उसको क्लियर कीजिए। अब वो कंसेप्ट क्या है? आप ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, किसी एक ब्रांच के लिए बना रहे हो या सभी ब्रांचेस के लिए बना रहे हो? बोलो बोलो, ध्यान से सुनना। अगर इस कंसेप्ट को ठीक करना है तो आप ध्यान से सुनते रहे अगले कुछ मिनट पे। यहां पर एक ब्रांच के लिए एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, जैसा मैंने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में भी, इसका डिस्क्रिप्शन आपको मौजूद होगा, आप चेक कर लेना। जो मैंने आपको सिंपल मेथड बताया था, वहां पे बताया था कि मान लो मेरा एक ब्रांच गोवा में है, एक ब्रांच मुंबई में है, एक ब्रांच पटना में है, एक लखनऊ में है। क्या ये सभी जितने मान लो हमारे 50 ब्रांचेस हैं, तो क्या इन सभी 50 डिफरेंट ब्रांचेस के लिए 50 अलग अलग हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना? 100% यस। हम इन 50 ब्रांचेस के लिए अलग अलग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ये तय। समझ वाली बात? अब एक सवाल ये भी है कि भाई एक बात गौर करके देखो, इसमें से तो इस जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, इसमें तो सिर्फ ब्रांच के खर्च को लिख रहे हो ना, ब्रांच के इनकम, ब्रांच के एक्सपेंस को लिख रहे हो। लेकिन एक बात याद करो, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि हमारा एक हेड ऑफिस होगा, हेड ऑफिस से बैठकर हम सभी ब्रांचेस को डील कर रहे होंगे, तो हेड ऑफिस में जो बैठा हुआ इंप्लॉई है उसको भी सैलरी देते होंगे। हाँ या ना? वहां का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा 100%, वहां के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। एक बात बताओ, वो हेड ऑफिस का एक्सपेंस कहां दिखाएं हम? बोलो, हेड ऑफिस का एक्सपेंस कहां दिखाएंगे हम? दिमाग में आई बात? हाँ या ना? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो गड़बड़ है भाई, हेड ऑफिस को कहां दिखाएं हम? तो ब्रांच के लिए अलग अलग बना रहे हैं। तो गौर कीजिए, 50 डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, 50 अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस के लिए हमने ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। जैसे गोवा है तो लिख देंगे गोवा ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लखनऊ है तो लिख देंगे लखनऊ ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड आपको मालूम है डेट लिख देंगे, सभी ब्रांचेस के लिए अलग अलग। लेकिन इन सभी चीज को के लिए
50 के 50 अलग बनाने के लिए, वो तो बनाएंगे, लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो इन सभी प्रॉफिट को उठाकर, जितने भी ब्रांच के प्रॉफिट्स आ रहे हैं उन सभी प्रॉफिट्स को उठाकर एक और फाइनल अकाउंट बनाएंगे, उसमें भेजेंगे, एक और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे आप, जो इन सभी ब्रांचेस के प्रॉफिट को कहां भेजेंगे, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे। और जितना हेड ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम होगा, नॉर्मली एक्सपेंस होगा, उसको वही एक और जो बनाएंगे उसमें, और उसी जो एक और बनाएंगे ना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाएंगे उसी को क्या बोलेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी ब्रांच के लिए जितनी बार भी आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, इन सभी के प्रॉफिट को एक मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ऐसे समझ सकते हो। क्या बनाएंगे हम, एक मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और उस मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या बोलते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हेड ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी दिखाएंगे। समझ में आई बात, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह सकते हैं ऑल इन वन। ये कैसा, जैसे देखो मैंने इससे पहले भी बताया, परचेस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर, इन सभी मैनेजर का एक मैनेजर कौन सा मैनेजर, जनरल मैनेजर। इन सभी का हेड कौन सा मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर। तुम्हें लगता होगा जनरल मतलब बेकार का मैनेजर, वेस्ट मैनेजर, घटिया मैनेजर, गलत फहमी है। सेम उसी तरीके से मैंने टू इन वन काम किया, इसको समझिए, उसी तरीके से डिफरेंट ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सभी का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये प्रॉफिट वहीं क्यों ट्रांसफर होता है, डन। तो यहां पर अगर प्रॉफिट है तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस हो गया तो बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस, डन। एनी प्रॉब्लम, कोई शक है क्या, मेरे ख्याल से नहीं। तो अभी तक जो बातें हमने करी है उसका एक सारांश 2 मिनट के अंदर लेते हैं कि अगर हमें अपने डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंटिंग करना है, अगर हमें हेड ऑफिस है, तो हमारे पास 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड जो कि हमने सिंपल मेथड या डेटर मेथड पढ़ा, उसके तहत हम यानी इस मेथड को हम उन ब्रांचेस के लिए यूज करते हैं जिसका साइज छोटा होता है और जहां पे बहुत ज्यादा लेन देन नहीं होता है, वो वहां के लिए सुटेबल मेथड है। लेकिन अगर ब्रांच का साइज मीडियम है या लार्ज है तो हमें चाहिए कि हम फाइनल अकाउंट मेथड को अपनाएं। इसके अलावा भी 2 मेथड्स और भी हैं, स्टॉक इंडिकेटर एंड होलसेल ब्रांच मेथड। उन मेथड्स को हम किन परिस्थितियों में अपनाते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन एक बात ये समझिए कि फाइनल अकाउंट मेथड जब हम यूज करते हैं तो यहां पे ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उस डिफरेंसेस यह है कि यहां पर वेजेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, बाकी रूल्स लगभग वही होते हैं, और यहां के नेट प्रॉफिट को हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते हैं, या नेट लॉस भी आएगा तो भी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना भेजते हैं। ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, जितने भी ब्रांच होंगे उन सभी ब्रांचेस के अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाएंगे, लेकिन इन सभी के लिए एक और प्रॉफिट एंड लॉस, मेन जो पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस को दिखाएगा एक जगह पर, है ना। तो इसके लिए हम बनाएंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां पर हेड ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को दिखाए जाएंगे और सभी ब्रांचेस के प्रॉफिट को उठाकर यहीं पर लाकर दिखाया जाएगा। फिर से मैं एक बात बता दूं, अगर हमें 50 अलग अलग ब्रांच का प्रॉफिट पता करना है तो हमें उस ब्रांच का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहिए, लेकिन अगर हमें पूरे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, मेरी कंपनी है जिसके 50 ब्रांच है, तो हमारी कंपनी का अगर प्रॉफिट पता करना है तो हमें कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहिए, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा, बाकी रूल्स वही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और पॉइंट समझ लीजिए आप, यहां पर भी हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं और इस ब्रांच अकाउंट का नेचर फटाफट बताइए, खत्म हो रहा है सब कुछ अभी। यहां पर ब्रांच अकाउंट का नेचर कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट का होता है, नॉमिनल का नहीं होता है। सेम चीज टू बैलेंस बीडी लिखते हैं यहां पर, ये सारी चीजें लिखे, टू गुड्स सप्लाइड, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर ये लॉस है प्रॉफिट है तो यहां लिखते हैं, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी लायबिलिटीज दिखाते हैं, बैंक कैश सेल्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, गुड्स सप्लाइड यानी रिटर्न है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लॉस। अब यहां पे देखिए, यहां पर रिटर्न क्या आता है, बैलेंस सीडी यहां पर आता है, ध्यान दे रहे हो क्या,
ध्यान दे दो बाई बैलेंस मीडियम। अब इसका जो सीडी यहां पर आ जाता है तो कुल मिलाकर यहां पर भी एसेट्स लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, सेम अंदाज होता है। इसी डिफरेंस को दिखाने के लिए हम यहां पे ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, एनी प्रॉब्लम। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे, ध्यान से समझे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे, सेम क्वेश्चन से हम पहले मेथड पे और दूसरे मेथड पे, मतलब पहला मेथड मतलब सिंपल मेथड, दूसरा मेथड मतलब फाइनल अकाउंट मेथड, दोनों मेथड से प्रॉफिट निकालकर दिखाएंगे आपको। सेम क्वेश्चन से दोनों मेथड से प्रॉफिट निकालेंगे और आप देखोगे बिल्कुल सेम आएगा, टू इन वन काम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ में आपको एक और फायदा क्या होगा कि आप एक जगह पर आप दोनों को देखेंगे तो आपका पिछला मेथड भी अपने आप रिवीजन में आ जाएगा। एम आई राइट? मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, इसको आपने समझ लिया होगा। बेस्ट ऑफ लक।